ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री बलजीत यादव। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने कोरोना पे चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ स्पीकर महोदय और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके और विधानसभा का ये सत्र बुलाया। सभी सदस्यों की मैं समझता हूँ ये इच्छा थी कि कोरोना के ऊपर चर्चा हो, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, बार बार राज्यपाल महोदय के द्वारा मना किया गया कि सदन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अंततः बुलाया गया। अभी पारक साहब बोल रहे थे 35 दिन लॉकडाउन में रहे मंत्री महोदय, व्यंग कर रहे थे वो, और मीडिया में भी कई बार पढ़ने को मिला। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पहली बार जीत के आया हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत उनमें ताकत है, वो किसी को भी लॉकडाउन में कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि ये लॉकडाउन में गए, मुझे नहीं पता कौन डरा कौन नहीं डरा, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता भयभीत थी, गरीब मजदूर भयभीत था कि पहले अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, पता नहीं कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़कर के उसको ये अधिकार दिया कि आपके वोट के दम से सरकार बनेगी और आपके वोट के दम से सरकारें गिरेंगी। उसको लगा कि मेरा ये अधिकार कहीं छीनने वाला तो नहीं है, लेकिन भगवान की मेहरबानी कहें, सदस्यों की कहें, कि वो गरीब को लगा कि नहीं उसके वोट की अहमियत है। रही बात कि होटल में 5 स्टार में मजे कर रहे थे, मीडिया के लोग छापते थे, विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर कांग्रेस के लोग 5 स्टार में गए तो हो सकता है उनकी पार्टी ने उनका खर्चा दिया हो, भाजपा के लोग बाड़े में गए तो हो सकता है उनकी पार्टी ने खर्चा दिया हो, आपकी पार्टियों को बड़े बड़े लोग चंदा देते हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम जीरो से उठ के आए और जनता के दम पे आए और दोनों पार्टी सारी पार्टियों को हरा के सदन में आए, उस जनता ने हमें यहां चुन करके भेजा है, लेकिन जनता ने कहा कि हमारे वोट की कीमत को बचाइए, तो हम गए मीटिंग में गए और अपने जेब के पैसे से पानी पिया, 1 नंबर का चेक भी मुख्यमंत्री को दिया है, आपका पानी नहीं पियेंगे, आपकी चाय नहीं पियेंगे, निस्वार्थ बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें उस वोट की कीमत को बचाना है, इसके लिए हमने वोट किया। इसलिए कभी यह आरोप नहीं लगाना कि हम 5 स्टार में होटल में जाके मजे कर रहे थे, 1 नंबर से मेरा चेक गया हुआ है, 1-1 रुपए का होटल का बिल बलजीत यादव ने अपनी मेहनत की कमाई से चुकता किया है, किसी कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री के पैसे से चुकता नहीं किया है, ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास इनकम टैक्स से पता करवा लेना कितना पैसा मेरे अकाउंट से गया है। मैं बात करना चाहता हूं कोरोना के ऊपर, बात हो रही बड़े लोग विदेशों से एक बीमारी लेकर के यहां आ गई और जान पर आपड़ी गरीब और मेहनत कश मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, तरह तरह की बात होती, आदेश जारी होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब लोग जो मजदूर लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको लॉकडाउन के वक्त का पूरा वेतन फैक्ट्री के मालिक देंगे, लेकिन एक भी गरीब को हिंदुस्तान के को अगर सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो आपने बोला, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा, अगर गलती स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो निश्चित रूप से छाती ठोक के विरोध भी करके मैं बोलूंगा कि यह चीज गलत है। हिंदुस्तान की सभी स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया, डायरेक्शन जारी कर दिए कि हाँ सबको लॉकडाउन के वक्त का वेतन दिया जाएगा, लेकिन एक को भी नहीं मिला, एक भी आदमी को। इसलिए मैं मांग करता हूं इस सदन के अंदर कि आप कोई बिल लेके आए और आप बिल्कुल इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली उसको जारी करवाएं, केवल बोलने से सस्ती लोकप्रियता हासिल करके पीछा नहीं छूटेगा, आप उस गरीब को उसका हक दिलाएं, उसको जो उसकी नौकरी छूट गई निकाला जा रहा है, उसका वेतन नहीं मिल रहा है, उसको दिलाएं। स्कूल लगी नहीं एक दिन भी, मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा हो सकता है एक दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया, कोई टीचर ने उसको पढ़ाया नहीं है, गरीब मजदूर है, महंगी महंगी फीस है, उसके घर पे रोज कॉल आ रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास चालू कर दी तो
को बेचक किया जाता है, उस गरीब मजदूर के बच्चे को, फलाने लड़के आपकी फीस जमा नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स को बोलिए फीस जमा कराएं। मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर एक भी व्यक्ति ने इस बात पर चर्चा नहीं की, अब भाई इस गरीब की स्कूल की फीस कैसे माफ होगी। और सुप्रीम कोर्ट में गए अभिभावक गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर स्टेट की अलग अलग चीजें प्रॉब्लम है, अलग अलग स्थिति, आप हाईकोर्ट में जाइए, वहां की गवर्नमेंट से बात करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपने बोल दिया एक बार, बोलने से नहीं होगा। मेरे बहरोड में बुला के सारे स्कूल मालिकों को कहा कि बलजीत यादव जिंदा है तब तक यहां पे कोई किसी की फीस नहीं ले सकता, गरीब मजदूर की मेरी छाती पे चढ़ के फीस ले सकते हो, उसके लिए मुझे चाहे अरेस्ट कर लेना, चाहे कह देना एक कानून को नहीं मान रहा है, लेकिन कानून या तो बनाइए, और नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से अन्याय नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। और जनता की डिमांड होती है वैसे ही कानून बनते हैं बिगड़ते हैं, बनाए जाते हैं नहीं। इसलिए सरकार में मांग करता हूं कि ये कानून बिल लेके आए और उसको कहे, और अभी कई स्टेट ने किया, यूपी ने स्टेट ने किया, नहीं माना तो यूपी स्टेट ने एक बिल वो लेकर के आई, ऑर्डिनेंस जारी करवाया, सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट 2020, क्योंकि स्कूल मालिक को अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो वो रुकेगा नहीं, केवल आपके भाषण से कहने से नहीं रुकेगा, आपको कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आइए, जारी करिए, कोई एक्ट बनाइए, तो आप कह सकते हो ये कतई भी व्यवहारिक नहीं है कि एक दिन भी कोई स्कूल बच्चा गया नहीं और उससे फीस ली जाएगी। मकान किराया, सभापति महोदय, गरीब का किसान का बेटा यहाँ कोचिंग करता, तैयारी करता है, वो बेचारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किराए पे मकान लेके रहता है, आपने लॉकडाउन कर दिया, वो अपने घर पे अटक गया, उसका सामान पड़ा है यहाँ पे मकान मालिक के पास, मकान मालिक कह रहा है कि मुझे किराया चाहिए लॉकडाउन के वक्त का भी, वो कैसे किराया दे? वो किसान उस बेचारे के कमाई बंद, फसल उसकी उजड़ गई, मजदूर की फैक्ट्री में नौकरी छूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका, और फिर उससे कह रहा बिजली का बिल आ रहा है, वो बिजली का बिल माफ करना चाहिए उसका। और वो मकान किराया, आप अगर कोई वास्तव में नीडी है, वास्तव में कोई गरीब है मकान मालिक कि उसके सब कुछ उसी पर चलता है, तो सरकार सर्वे करवाए और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के वो मकान किराया दे, कोई बहुत ज्यादा किराया नहीं है। आप सैनिटाइजर छिड़का रहे हो, सब बातें करें, सैनिटाइजर छिड़को, कुछ नहीं होना, सैनिटाइजर पानी छिड़केंगे खा जाएंगे लोग बाग। इसलिए आप ये चीज करने की बजाय मकान का किराया दें, बिजली का बिल माफ करें, और वो जो मजदूर है उसको उसका हक दिलाएं, उसको उसका वेतन मिले, ये चीज सुनिश्चित करें। पड़ोस का स्टेट मध्य प्रदेश अभी कह रहा है केवल मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने पहले भी पिछले सदन में इस बात को उठाया था, 21 स्टेट हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिसके अंदर राजस्थान के जो अभ्यर्थी उनके सिलेक्शन की जो परसेंटेज देखो जीरो है, वहां नहीं लिया जा रहा है। अगर या तो हो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट ये बाउंड नहीं करे कि हमारे स्टेट का आदमी नौकरी लगेगा, और अगर लगेगा तो राजस्थान के जवान के साथ फिर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जहां भी कानून लेके आए सारा ठेका राजस्थान के युवा ने नहीं उठा रखा कि सारी की सारी कीमत राजस्थान का युवा उठाएगा। आपके बिजली विभाग में मंत्री जी बैठे, INJN के एग्जाम होते हैं, उसके कहते हैं राजस्थान में नहीं करा सकते, बाहर होते हैं। पहले राजस्थान का जी क्या आता था 25%, तब सिलेक्शन होते थे बाहर के लोगों के 5%, अभी उसको हटा दिया यहाँ के राजस्थान के जीके को, तो सिलेक्शन अभी कितना रिजल्ट में आया, 61.8% बाहर के लोग पर आ गए और यहाँ के राजस्थान के लोग। इसलिए मैं मांग करता हूँ पीडब्ल्यूडी में हुआ, एक खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट पीडब्ल्यूडी में हुआ उसके अंदर ये जीके है राजस्थान की, उसमें 5% बाहर के लोग आए। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार सदन आपसे मांग करता हूँ, गरीब मजदूर और जो किराएदार है उसके हक की रक्षा करें सदन, ये मैं मांग करता हूँ, और इसके ऊपर बिल लाया जाना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।